है पूरे 100 मिलियन डॉलर का एक विशाल सा मैंशन, और ये इंसानों ने बनाया हुआ अब तक का सबसे लग्जरियस घर हो सकता है। और हम कंपेयर करेंगे इस घर में रहकर कैसा लगता है उसके बाद 69 मिलियन डॉलर वाले आर्ट हाउस में रहकर, जो बना है एक असली वाली सुनामी का सामना करने के लिए, फिर एक 30 मिलियन डॉलर वाले महल में रहकर जिसका एक अपना वाटर पार्क है, और ऐसा करते करते हम रहकर देखेंगे इस खंडहर से दिखने वाले $1 वाले घर में। वो एक शेड जैसा है, वो सिर्फ $1 का है। इस घर की कीमत $1 क्यों है? बस तूफान आने की देर है, ये पूरी तरह पानी में ढह जाएगा, तो $1 लेकर इससे छुटकारा पाना चाहता हूँ। यानी कि ये इन्वेस्टमेंट बिल्कुल ही बेकार है मेरे लिए। हाँ सही कहा, मैं खरीदूंगा। चलो चले। ओ, ओ, लग रहा है टूट जाएगा। नीचे गिरने के चांसेस कितने होंगे? बहुत ही ज्यादा। ये घर तो डगमगा रहा है। देखो ये चेयर इस घर में कितने प्यार से रह रही है। यहाँ एक रिक्लाइनर है, एक मैट्रेस और आधा फ्लोर। मैं इस घर के अंदर से भी फिशिंग कर सकता हूँ। ओ मैंने एक पकड़ ली। बस काटा है, माफ करना। हमें मजे करते देख इसे बेचने का अफसोस हो रहा है? बिल्कुल भी नहीं। अगर मैं आपको इसके $2 दूंगा तो वापस लोगे? नहीं, कोशिश तो बनती है। मेरे पास एक आइडिया है, घर से बाहर निकलते हैं। आगे इस वीडियो में एक ऐसा घर है जो इस घर से 100 मिलियन गुना ज्यादा कीमती है, और क्योंकि मैंने इस बेकार से शैक पर फिर से कदम ना रखने का फैसला कर लिया है, तो चलो एक थोड़े बेहतर से घर में चलते हैं। और अब हम आ गए हैं $1 मिलियन वाले घर में, और इसका मतलब है इसे खरीदने के लिए एक मिलियनर होना जरूरी है। देखते हैं मिलियनर्स कैसे रहते हैं। सबसे पहले कहूंगा ये मेरे घर से बहुत बड़ा है। जब हम $1 मिलियन देते हैं तब हमें एक बड़ा सा किचन मिलता है, साथ ही में 4 बेडरूम जो आम लगते हैं। पर बस इतना ही नहीं, इस बेडरूम में यहाँ एक क्लोजेट भी है जो बाथरूम की ओर जाता है, जो $1 वाले घर से भी बड़ा है। ये बाथटब तो बहुत ही बड़ा है। मैं 6 फुट 5 इंच का हूँ और मैं इसमें कम्फर्टेबली फिट आ रहा हूँ। हालांकि यहाँ सारे बाथरूम्स में बीडेज लगे हुए हैं। ओह माय गॉश। लेकिन इस घर की सबसे खास बात तो यहाँ नीचे है। अरे बाप रे, यहाँ तो एक मूवी थिएटर है। चूड़िया चेयर्स तो मसाज चेयर्स हैं। एक मिनट, क्या? हर एक चेयर पर दो दो रिमोट्स लगे हुए हैं। दो रिमोट्स। एक मूवी थिएटर के साथ ही यहाँ एक आर्केड भी है। सोचा नहीं था कि इतना कुछ मिल सकता है $1 मिलियन में। ये घर तो कमाल का है। अगर ये घर मेरा होता तो मेरे बहुत से दोस्त होते। और एंडिंग में है ये पूल, जो कि हमें मिलता है इस फिजूल के वॉटरफॉल के साथ। कुल मिलाकर कहूंगा कि ये घर रहने के लिए बहुत ही मजेदार है, लेकिन हम सबसे शानदार घर देखने के लिए निकले हैं, इसीलिए अब आगे है 15 मिलियन। 15 मिलियन वाला घर। इसे धकेलना है? ओह माय गॉड, इसे देखो तो जरा। ये मेरे लिए तो नहीं है। ये ऐसा है जैसे हम GTA में किसी घर में जाने की कोशिश करते हैं। वो व्यू तो कमाल का है। ये पूल $1 मिलियन वाले घर से काफी छोटा है, पर यहाँ से हम पूरा का पूरा LA देख सकते हैं। बचाओ! Hey, बचाओ! बस करो, रुक जाओ, जाओ अंदर, मुझे नए दोस्त चाहिए। चलो घर देखते हैं। ये घर जिस भी इंसान का है, क्या लगता है वो क्या करते होंगे? NFTs। वो एक लॉयर है। ये 2017 के टॉप अटर्नी और 2021 के नंबर 1 लॉयर भी थे। इस घर को पाने के लिए बस इतना ही चाहिए। ऐसा लगता है हमारे लिए एक नोट रखा गया है। डियर मिस्टर बीस्ट, मेरे घर पर आने के लिए शुक्रिया। आपने मुझे एक अनमोल तोहफा दिया है। मेरे बच्चों को ये जानकर बहुत खुशी होगी। और हाँ, प्लीज एक भी सैंडविच मत खाना, वो मुझे बहुत प्यारे हैं और उनकी रेसिपी पीढ़ियों से मेरे परिवार में चलती आ रही है। समझ गया। ऊपर या नीचे? नीचे। नीचे चलते हैं। ठीक है, अब ये बढ़िया लग रहा है। इस मैंशन के निचले फ्लोर पर इसका अपना एक मूवी थिएटर और एक पर्सनल जिम है। इस ट्रेडमिल को चलाने के लिए एक पास कोड चाहिए। 6969। वो 6969 नहीं है। एक गेस्ट बेडरूम, एक एंटरटेनमेंट एरिया और एक बार जहाँ पर उन्होंने बहुत सारा फ्री का खाना रखा है। गाइस, इससे पहले कि तुम लोग कुछ भी खाओ, अगर उन्होंने ये खाना यहाँ हम पर केस करने के लिए रखा हो तो। देर हो गई, इसने खा लिया। और स्विमिंग पूल का एक शानदार अंडरग्राउंड व्यू।